परम श्रद्धेय नाना जी के साथ आपने 1994 से लेके 2010 तक उनके साथ प्रत्यक्ष रूप से दीनदयाल शोध संस्थान के में आपने काम किया, उसके बाद भी लगातार आप काम कर रहे हैं। प्राध्यापक यशवंतराव केलकर राष्ट्रीय पुरस्कार से आप सम्मानित हैं, साथ ही रानी झांसी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से आपको नवाजा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला शिक्षा एवं सुरक्षा पर कार्य करने के लिए मलाला पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया। आपने इटली, अमेरिका, दुबई आदि अनेक देशों में आपका प्रवास हुआ और वहाँ पर दीनदयाल शोध संस्थान के काम के संबंध में आपने देश दुनिया में जो बातें श्रद्धेय नाना जी के द्वारा पूरे देश दुनिया में कही गई उनको विस्तार रूप देने में अपना विषय रखने में आपने योगदान दिया। बेरोजगार युवक युवतियों को स्वावलंबी बनाने में के कार्य में लगी हुई हैं। प्रतिवर्ष लगभग 10,000 महिलाओं से उनकी समस्याओं उनसे प्रत्यक्ष रूप से आपका संपर्क होता है और उनकी समस्याओं का समाधान समाज के सहयोग से आप लगातार करती आ रही हैं। इधर जब से आपका गोंडा में यहाँ पर निवास हुआ है, यहाँ भी एक बहराइच में महिला दिवस विश्व महिला दिवस था, उसमें आपका जाना हुआ। इसके अतिरिक्त अपने चारों केंद्रों पर विशेष रूप से स्वच्छता अभियान में थारू क्षेत्र में यहाँ पर जो रज्जनपुर गांव है वहाँ पर एक महिलाओं का रामनाथ आरोग्य धाम के द्वारा कार्यक्रम हुआ, उसमें आपका जाना हुआ। यहाँ जो संजवल के पास गांव के पास एक तालाब है, पोखरा है, धुसवा तालाब, वहाँ पर पूर्णिमा पर कार्तिक पूर्णिमा में एक बड़ा मेला होता है, वहाँ पर जो दृश्य था वो देखने लायक नहीं था। वहाँ से जो भी निकलता था कहता था कि मैंने इतना सुंदर तालाब है लेकिन वो, और उसको हमारे प्रधान सचिव जी ने और आपने आपके माध्यम से वो स्वच्छता अभियान शुरू किया गया। बाद में विद्यालय के सभी अध्यापक कार्यकर्ता और बच्चे मिलकर के आज उसका दृश्य अलग दिखाई देता है। तो आज के इस सत्र में एकात्म मानव दर्शन पर आपके विचार हम सभी के समक्ष आए, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम सभी का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। भगवान कामतानाथ जी की दया है एवं हम सब लोग हर समय सुबह से लेकर शाम तक और सोते वक्त भी और सोने के बाद भी हर समय एक ही व्यक्ति का स्मरण करते हैं जिनके कारण हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। ऐसे राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख जी के चलते एवं दीनदयाल शोध संस्थान में कार्यरत, हमसे पहले कार्यरत सभी बड़े कार्यकर्ताओं के कारण जो कुछ हमने सीखा है वो कोई ज़रूरी नहीं है वो बातें आपको ना मालूम हो, लेकिन हमने जब भी दीनदयाल शोध संस्थान में किसी बड़े लोगों के साथ बैठते थे या छोटे कार्यकर्ताओं के साथ हम बैठते थे, हर समय हमने या तो हिंदी भाषा सीखने का प्रयास किया या वहाँ की जो लोकल जो भी नॉलेज होती है उसको जानने का कोशिश किया, वहाँ की परंपराएं, रीति रिवाज जो कुछ भी होता है वो सीखने की परंपरा आज भी चालू है। हम आपको मार्गदर्शन देने लायक कभी नहीं हो सकते और मंच पर विराजमान हम सब लोगों के परम सम्माननीय दीनदयाल शोध संस्थान के प्रधान सचिव महोदय जी का भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं एवं वंदन करते हैं। मंच पर विराजमान परम सम्माननीय विभाग प्रचारक जी श्रीमान दीपक जी का भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं एवं वंदन करते हैं। मेरे से बड़े पूर्व में मान्यवर नाना जी के साथ काम किए हुए सभी कार्यकर्ता बंधु भगनियों का एवं इस कार्यशाला में इस शिविर में पधारे हुए सभी कार्यकर्ताओं का हम हृदयपूर्वक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं एवं वंदन करते हैं।
आज जो विषय हमें मिला है एकात्म मानव दर्शन, ये तो ऐसा विषय है, ये तो हमें लगता है मान्यवर नाना जी के मार्गदर्शन में हम सब लोग उसको अनुभूति कर अनुभूत अपने अंदर अपन लोग अनुभूति करते हुए उन कामों को करते आए हैं। लेकिन अभ्यास वर्ग में अक्सर ऐसा होता है कि हर बार हम लोग क्या किया है, क्या करने वाले हैं, क्या करना चाहिए, समाज के लिए क्या उपयोगी है, और सबसे बड़ी चीज होती है कि हम लोगों का अपना आधार क्या है। यदि हम लोग अपना आधार भूल गए तो आगे हम लोग कितने भी बड़े हो जाएंगे तो हम लोग कभी टिकाऊ नहीं हो सकते, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर हम लोग जा नहीं सकते। तो हम सबको पता है दीनदयाल शोध संस्थान मान्यवर नाना जी ने स्थापना किया और उसका आधार ही एकात्म मानव दर्शन है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा कहा गया यह एकात्म मानव दर्शन हम लोग जब भी पढ़ेंगे, जब भी सुनेंगे, वो हम लोग को कभी भी पुराना नहीं लगता, वो नया ही लगता है। और नए चीजों का उसमें हम लोग अपने दिमाग जितना चलता है, अपनी बुद्धि जितनी चलती है, उसमें हम सब लोग सोचते जा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जो कुछ हमने सुना है नाना जी से, जो देखा है, जो सीखा है, वो आपके समक्ष रखने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पर उपस्थित जन शिक्षण संस्थान के सम्माननीय निदेशक महोदय जी श्री प्रज्योत कुमार जी एवं सभी विद्यालय के प्राचार्य सभी का भी स्वागत करते हुए, पाश्चात्य देश है जो आजकल लोग सब उन्हीं की बातें ज्यादा सुनते हैं जिसको अपन वेस्टर्न कंट्रीज कहते हैं, तो उन पाश्चात्य देशों में पहले एक अपना जो मानव है, हम लोगों को कहते थे कि ह्यूमन बीइंग जो है, एक मानव जो है वो पॉलिटिकल जीव है, उसको राजनीतिक जीव वो लोग बताते थे। और मानव को ही उन्होंने कहा एक पॉलिटिकल मैन है, ये ह्यूमन बीइंग नहीं है, मानवीयता की कहीं कोई बात नहीं होती थी। उस टाइम पे राजा हुआ करते थे तो लोगों ने सोचा एक ही राजा क्यों होना चाहिए, हम क्यों नहीं राजा बन सकते, या राजा जैसा हमको क्यों नहीं अधिकार मिल सकता। तो हम सब लोगों को पता है उसके लिए उनको वोट देने का अधिकार मिला। वोट जब मिला उनको देने का तो वो लोग खुश हो गए, उन्होंने सोचा हमें वोट देने का अधिकार मिल गया, हम राजा बना सकते हैं, हम शासन में हमारी बड़ी भूमिका हो सकती है। तब वो लोग भूल गए कि शासन राजा होने से भी एक चीज का तो उनको सुख और वो मिल रहा था, लेकिन बाकी जो पापी पेट जिसको हम लोग कहते हैं, पेट उनका भरता नहीं था। तब उन्होंने कहा भाई हमें वोट की राजनीति नहीं चाहिए, हमें पेट के लिए रोटी चाहिए, रोटी चाहिए, चिल्लाना शुरू किया, बोले शरीर को हमें पहले रोटी चाहिए। तो रोटी दिलाने के लिए कार्ल मार्क्स नाम का एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा भैया लड़ो, सब लोग रोटी के लिए लड़ो, और सब लोगों को उन्होंने रोटी मय बना दिया। अब लोग रोटी रोटी के लिए करने लगे, तब उनको क्या हुआ, रोटी तो मिल गया, फिर तब सोचा हमारे तो शासन में जो हमारी भूमिका थी वो तो चला गया। बात समझ में आ रहा है कहाँ एकात्म मानव दर्शन आता है, ये हम कोशिश करेंगे आपको बताने का, कि लोगों ने सोचा हमें वोट देने का अधिकार मिल जाएगा तो हमें सब कुछ मिलेगा। शुरुआत में पाश्चात्य देशों में वोट का मिला लेकिन पेट भरना नहीं होता था, तब चिल्लाया हमें रोटी चाहिए, रोटी चाहिए। कार्ल मार्क्स जी आ गए, उन्होंने कहा रोटी के लिए लड़ो, तो सब लोग रोटी के लिए लड़ना शुरू हुआ, रोटी मिल गया। रोटी मिलने के बाद उनको लगा अरे हमारी तो पद प्रतिष्ठा और शासन में हमारी भूमिका खत्म हो गई, अब क्या होना चाहिए। तो अमेरिका आ गया, अमेरिका ने कहा भाई हम राजा भी देंगे आपको, रोटी भी देंगे। दोनों चीजें उन्होंने लोगों को देना शुरू किया। दोनों चीजें देने के बाद भी रोटी भी मिल रही है, शासन में भी उनको पद प्रतिष्ठा सब मिलने लगा मानव को, लेकिन उसको सुख और शांति नहीं मिल रहा था जो अपने बुद्धि को चाहिए, जो अपने मन को चाहिए, जो शांति होती है, जो सुख होती है। जैसे दीनदयाल शोध संस्थान में हम सब लोग काम करते हैं, हम लोग कोई तनाव में काम नहीं करते, हम लोग कोई ऐसे गड़बड़ गड़बड़ में कोई काम नहीं करते। मान्यवर नाना जी ने कहा दीनदयाल शोध संस्थान में आराम से रहो, रहने का भले एक शेड होगा, एक टपरा होगा, लेकिन वही रहो, दौड़ भाग मत करो, सुख और शांति के साथ काम करो और जनता के लिए काम करो, समाज के लिए काम करो बोले। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर सुख और शांति नहीं होगा वो समाज के लिए काम नहीं कर सकता। तब आज हम लोग यदि देखते हैं तो अमेरिका के लोगों में कितने ऐसे मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट्स अपने को मिलेंगे,
जो साइकिक हो गए वो लोग किसी काम के नहीं, मनोवैज्ञानिकों के बीच में घूमते रहते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिनको रात को नींद नहीं आती, ट्रैंक्विलाइजर लिए बगैर वो सो नहीं सकते। ऐसे अमेरिका, ऐसे बड़े कंट्रीज के इस पे एक दीनदयाल जी नाम के व्यक्ति, छोटा सा बच्चा, मथुरा के नकला चंद्रबान जी उसमें जन्म लेते हैं। और कभी भी कोई बहुत बड़ा दर्शन देता है तो हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए वो एकाएक जब 30 साल का होगा, 40 साल का होगा या 25 साल का होगा तब उनका दर्शन दिखेगा, ये नहीं सोचना चाहिए। गर्भ से ही वो सीखते हैं चीज़ों को, और जैसे ही एक फूल का खुशबू से हम लोग पहचान लेते हैं, ऐसे ही वो बालक। थोड़ा दीनदयाल जी का भी जानना ज़रूरी होगा हम लोगों को, क्योंकि एकात्म मानव दर्शन जीवन से ही शुरू होता है और जीवन से ही खत्म होता है। जो कुछ बातें उन्होंने कहा है वो जीवन जीने के लिए कहा, और सुखमय जीवन, शांतिमय जीवन, राष्ट्रीय जीवन कैसे हो सकता है जब व्यक्ति सुख शांति के साथ जीता है। तो एक छोटा सा बच्चा, सबको पता है वो कितना गरीबी में पैदा हुए, और अपने घर पे भाभी के घर गोदी में वो लेते होते हैं छोटा सा बच्चा, और सब घर के लोग काम कर रहे होते हैं। अचानक डाकू लोग उस घर में आते हैं और सभी को मारना पीटना शुरू कर देते हैं, और उनके भाभी की गोदी से छोटा सा बच्चा को लेकर छाती पे पैर रखकर डाकू लोग चिल्लाने लगते हैं, इसको हम लोग मार डालेंगे यदि तुमने घर के अंदर रखी हुई आभूषण और पैसा ना निकाला, तो ये बच्चे को हम लोग कुचल कर मार डालेंगे। शायद हम लोग के जैसे कोई बच्चे और अपन बचपन में होते तो अपन डर के मारे मुंह बंद करके बैठ जाते, लेकिन वो छोटा सा बच्चा उस टाइम पे हिम्मत अपने अंदर लाकर वो चिल्लाते हैं, अरे मैंने तो सुना था, कहानियों में भी पढ़ा था कि डाकू लोग अमीर आदमी को मारते हैं और अमीर आदमी से पैसा लाकर गरीबों को देते हैं और गरीबों का पूरा उद्धार करते, ये हमने सुना, तुम कहाँ गरीबों को मारने चले आए, तुम कैसे डाकू हो। यही है उनका चिंतन, बचपन से ही ये था। इसीलिए हम लोगों को मान्यवर नाना जी कहते थे, आप लोग भी सुने होंगे, नाना जी कहते थे भाई छोटे बच्चों के सामने ऐसी कोई हरकत मत करो, क्योंकि बच्चे उन्हीं चीजों से सीखते हैं। तो वो उदाहरण दिया करते थे, छोटा बच्चा जब छोटी बच्ची या कोई भी होती है, हम लोग जूता चप्पल अपना उतार के आ गए, बच्चे भी अपना जूता उतारते चप्पल उतारते हैं क्रमशः, लेकिन जब वो बाहर जाता है वो अपने जूते में अपने चप्पल में पैर नहीं डालता, तो बड़े लोग जो हम लोग जूता बड़ा खोला है उसी में वो पैर डालते हैं। इसका अर्थ है कि हम लोगों का अनुकरण अपने घर के बच्चे, अपनी आबादी में रहने वाले बच्चे, अपने विद्यालयों में पढ़ने वाले भैया बहन, हम लोगों का अनुकरण करते हैं। इन्हीं बातों को मान्यवर नाना जी अपनी प्रेरणा मानकर, क्योंकि दीनदयाल जी नाना जी के दोस्त भी थे, अचानक उनका मृत्यु मुगलसराय स्टेशन पे होने पर, नाना जी ने एक बार हम लोगों को बताया था, उनका जब पूरा देह का वहाँ पे संस्कार चल रहा था तो वहाँ पर परम पूजनीय गुरु जी खड़े होकर रोने लगे थे। उन्होंने कहा दीनदयाल तुम चले गए, तुम्हारा काम कौन करेगा। तब नाना जी ने वही चिता के पास अपना एक भीष्म प्रतिज्ञा जैसे ही उन्होंने लिया, दीनदयाल जी तो चले गए, लेकिन दीनदयाल जी के लिखा हुआ एकात्म मानव दर्शन के आधार पर हम काम करेंगे, भले कोई मेरा साथ दे ना दे लेकिन मैं करूंगा। तो यही है बातें छुटपन में दीनदयाल जी का, जो वो आवाज थी डाकुओं के अंदर मन परिवर्तन लाता है, और वही उनकी, वो जब भी कुछ काम करते थे दीनदयाल जी का, तो एक बार उनके मामा जी का भी बहुत बुरी तरीके से वो बीमार होते हैं और वो छूत बीमारी मानते थे लोग, तो लोगों ने कहा भाई इनको लखनऊ कौन ले जाएगा, कौन दिखाएगा, किसी के पास इतना समय नहीं, सब आपस में बातचीत कर रहे थे। दीनदयाल जी का तब पढ़ने का समय होता है, परीक्षाओं का समय होता है, लेकिन वो जाकर उनको पकड़ लेते हैं, कहते हैं मैं आपको लखनऊ ले जाऊंगा, मैं आपका इलाज कराऊंगा। तो वो ले जाते हैं, इलाज कराते हैं, इलाज करा के आके वो अपनी परीक्षाएं भी देते हैं, परीक्षा देने के बाद वो जो है अव्वल आते हैं। ये दीनदयाल जी का ये, इसीलिए बचपन से जिनके अंदर जिस प्रकार का उनको वातावरण मिलता है वही बातें आगे तक जाता है।
ये कोई जरूरी नहीं है, 100 साल यदि कोई व्यक्ति जिया है तो ही वो समाज के लिए उपकारी हो सकता है, हितकारी हो सकता है। कम उम्र में भी बड़े बड़े महापुरुषों ने कितना कुछ करने गया, ऐसे ही दीनदयाल जी का है। और दीनदयाल जी का चिंतन के आधार पर एकात्म मानव दर्शन में कोई और बड़ी बात उन्होंने नहीं कहा, वह कहते हैं भारतीय परंपराओं में हर एक चीज को संगठित रूप में देखा जाता है। कभी भी हम लोग किसी चीज को विघटित रूप में या अलग अलग करके विचार नहीं करते। जैसे अपने पूरा शरीर का देखते हैं तो शरीर का सुख हो गया तो उसकी बात लोग करते हैं, लेकिन दीनदयाल जी ने उसमें कहा है शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, तो ये चारों का एक समुच्चय है। इनको हम लोग अलग करके, विघटन करके कभी कोई बातचीत हम लोग कर नहीं सकते, क्योंकि लोग मानते हैं शरीर का सुख ही सबसे अच्छा सुख है। तो हम लोगों को पता है कि जब उन्होंने उदाहरण भी दिया था पंडित दीनदयाल जी ने, कौरवों की संधि करने के लिए श्री कृष्ण भगवान जी जाते हैं, जाने पर यदि शरीर का ही सुख महत्वपूर्ण है तो कृष्ण भगवान जी जैसे व्यक्तियों का भी अपन उदाहरण देख सकते हैं। तब कौरव संधि के लिए जब जाते हैं तो दुर्योधन जी कहते हैं उनको मिलकर, महाराज आज हमारे यहाँ आज आप भोजन पाइए। लेकिन श्री कृष्ण जी को शरीर का सुख ही महत्वपूर्ण होता तो जरूर वो राजा दुर्योधन जी के यहाँ जाते और कितने प्रकार का भोजन व्यंजन वो पा सकते थे और शरीर का सुख वो पा सकते थे, लेकिन वो कुछ उत्तर नहीं देते। हम लोग को पता है वो विदुर जी के घर जाते हैं और विदुर जी के घर में जब कृष्ण भगवान पहुंच गए, कृष्ण जी पहुंच गए, तो वो इतनी भाव विभोर हो जाती है कि वो केला खिलाने लगती है, बातचीत में इतनी तन्मयता उनके अंदर, एकात्म हो गए वो लोग प्यार में। यही है एकात्म मानव दर्शन, एक आत्मा। हम लोग अलग नहीं हो सकते, आज हमारे प्रधान सचिव जी दिनेश जी यहाँ बैठे होंगे, लेकिन आपके साथ जब होते हैं तो एक एकात्मता की बात होती है। नाना जी हम सब लोगों के साथ भी कभी किसी माली को उन्होंने माली करके नहीं बुलाया होगा, माली बाबा करके बुलाते थे। जितना काम माली बाबा को आता था उससे ज्यादा काम मान्यवर नाना जी को आता था, तभी एकात्म हम लोग हो सकते, उनसे काम ले सकते। आखिर एकात्म मानव दर्शन हो, दीनदयाल शोध संस्थान हो या अपनी जितनी भी संस्थाएं हैं, क्यों इस तरह का विचार करते हैं कि हम लोग आगे राष्ट्र नव निर्माण में या राष्ट्रीय नवरचना में हम लोगों की भूमिका क्या होनी चाहिए? नहीं तो क्यों हम लोग ऐसे अभ्यास वर्ग करें, क्यों व्यक्तित्व विकास की हम लोग बात करें? तो विदुर जी के पास जब कृष्ण जी पहुंच गए तो वो केला छीलती जाती है, वो छिलका खिलाए पड़ी होती है, असली केला की गूथा वो फेंकती चली जाती है। तब इसको तब समझ में आता है हम लोगों को, शारीरिक सुख ही होता तो कृष्ण भगवान को केले की छिलका खड़वा लगना चाहिए था, लेकिन इतना आत्मीय आनंद उनको मिल जाता है कि उनको केले का स्वाद ही नहीं पता चलता। इसीलिए मानव सिर्फ सुख, शरीर सुख के लिए नहीं है, मानव का जो भी चिंतन हम लोग करते एकात्म मानव दर्शन में दीनदयाल जी के कहनानुसार, शरीर को भी सुख चाहिए, मन को भी चाहिए, बुद्धि को भी चाहिए और आत्मा को भी चाहिए। तो ये सब चाहिए तो है, लेकिन आएगा कैसे? तो इसके नियम बनाए होते हैं। वो नियम ऐसे हैं, हम लोगों को कोई बोलेंगे, जैसे भी घर के अंदर आते ही साथ बड़े यदि मिलते हैं उनको प्रणाम करना है, ये बनाया हुआ नियम है। यदि कोई कहता है तो हम लोग कहते हैं ये नीति नियम कौन बनाया है, ये नियम हम नहीं मानते कहते हैं। लेकिन नियम यदि ठीक प्रकार से हम लोग पालन करेंगे तो हम लोग जो भी पाना चाहते हैं, लक्ष्य प्राप्ति हम लोग को ठीक प्रकार से हो सकती है। तो अपने बच्चे भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, ये नीति क्या, नियम क्या, ये हो, ये नियम वही है। जैसे अभी एक माँ है, माँ का हम लोग को पता है सबसे ज्यादा बच्चों को प्यार करती है माँ, लेकिन बच्चों को प्यार करती है, यदि यही नियम होता, माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, इसको हम लोगों ने एक नियम बना लिया, तो तुरंत दीनदयाल जी वहां लिखते हैं तो ऐसा नहीं है। बिल्ली क्या करती है, अपनी बच्चा पैदा करते ही साथ प्रसव के बाद ही तुरंत उनको इतनी भूख लगती है, वो भी माँ है, वो भी माँ होते हुए अपने बच्चों को वो खा लेती है।
तो क्या माँ अपने बच्चों को प्यार करती है ये नियम बनाना चाहिए, या ये जो बिल्ली बच्चों को खा जाती है माँ बनकर ये बनाना चाहिए? फिर तुरंत वो लिखते हैं, एक बंदरिया है अपनी बच्ची मर भी जाती है तो भी वो चिपका के घूमती रहती है, इसको नियम बनाना चाहिए। तो उनका कहना ये था, जो भी काम करते समय वो नियम बनाना है जो जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध होता हो, सहायक सिद्ध होता हो, अपने जीवन जीने के लिए, सभी के लिए, राष्ट्रीय जीवन के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, ये जीवन जीने के लिए जो भी नियम सहायक होते हैं, सहायक सिद्ध होते हैं, मददगार होते हैं, उनको अपने को नियम बनाना चाहिए। और वो ये नियम बनाते समय भी उनका कहना यही था कि नियम तो हम लोग बना लेंगे लेकिन पालन कैसे होएगा, जब तक कि हम लोगों के अंदर परस्पर पूरकता की भावना हो। परस्पर पूरकता माने कॉम्प्लीमेंटारिटी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। और नाना जी, ये शब्द हम लोग के सामने हर बार हर समय ये विषय बहुत ही प्यारे ढंग से रखते थे, जिसको परस्पर पूरकता कहते हैं। और यदि आज हम लोग यहाँ पर है, अपने यहाँ पर वनस्पति भी है, जीव जंतु हम सब लोग भी है, यदि हम सिर्फ अपने जीव पर रह जाए, वनस्पति ना रहे, तो भी अपना जीवन नहीं चल सकता। सिर्फ वनस्पति रह जाए और जीव ना हो तो उनकी भी जीवन नहीं चल सकता। तो एक छोटा सा उदाहरण है, हम लोग क्या करते हैं, वनस्पतियों के द्वारा दी गई जो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, उसको हम सब जीव, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं वो वनस्पति पूरा अपने आहार के लिए लेता है, और वनस्पतियों से हम सब लोगों को ऑक्सीजन का मिलता है। समझ रहे ना मेरी बात? हम बहुत छोटी बातें जो रोज सुनने वाली बातें बता रहे हैं। ऐसे ही यदि हम लोग स्कूल है, अपनी कृषि विज्ञान केंद्र है, अपने जितने भी जो भी प्रोजेक्ट्स चलते हैं, एक दूसरे के ऊपर हम लोग परस्पर पूरकता के भाव से काम करेंगे तो कोई कठिनाई नहीं होगा। हम सोच लेंगे हम ही सब कुछ है, हमें दूसरों की जरूरत नहीं है, तो कभी भी कोई काम सफल नहीं हो सकता। ये परस्पर पूरकता की भाव ही है जो एकात्म मानव दर्शन में, चाहे शरीर मन बुद्धि और आत्मा हो, या अपना काम क्रोध लोभ मोक्ष जितनी भी बातें कही गई हो, क्योंकि मानव के अंदर क्रोध भी आता है, प्यार भी आता है, मानव के अंदर मोक्ष की भी बातें वो करता है, लेकिन त्याग की भी बातें करते, तपस्या की भी बातें करते, गुस्से की भी बात करते। तो हम लोगों को उनमें से यदि ये सोच ले, भाई मानव क्रोध करता है और पशु भी क्रोध करता है, इसीलिए ये नियम के अंतर्गत ये सोच ले, क्रोध ही अच्छी चीजें बना लिया। समझ रहे ना बात को? मानव भी क्रोध कर रहा है, पशु भी क्रोध करता है, लेकिन मानव और भी काम करता है, तपस्या का भी उनके अंदर है, शांति का भी उनके अंदर है, और वो सब अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन मानव को क्रोध आता है, पशु को भी क्रोध आता है, इसीलिए ये दोनों को मिलाकर क्रोध अच्छी नियम में बना लेंगे तो ये समाज के लिए हितकारक नहीं हो सकता। तो दीनदयाल जी कहते हैं, नियम वही जो मैंने आपको बताया था, नियम वही है जो समाज के लिए उपयोगी है। क्रोध में आकर हम लोग ने जला दिया किसी चीज को, वो राष्ट्र के हित के लिए नहीं हो सकता। क्रोध में आकर हमने किसी को डांट दिया और उसका मन परेशान हो गया, तो वो कभी भी एकात्मता के साथ चिंतन नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा, मानव के स्वभाव में क्रोध आने पर उसको दमन करने की भी शक्ति है, तो दमन को उन्होंने कहा एक नियम बनाओ। तो दीनदयाल शोध संस्थान में भी गलतियां होती है, खराबियां भी हो सकती है, बिगड़ भी सकता है, मशीन खराब भी हो सकती है, लेकिन हम लोग उसकी तरफ ज्यादा ध्यान न देकर हमने अच्छा क्या किया, ये मशीन के द्वारा इतना एनर्जी सेव हुआ, हमने ये काम कर दिया, उसको हम लोग हर जगह पर अच्छाइयों को लिखेंगे तो आने वाले आपका किसान, आने वाले आपके महिला मंडल, आने वाले आपके तरुणोदय मंडल, आने वाले आपके भजन मंडल, आने वाले अपनी विद्यार्थी अच्छी बातों को देखेंगे। तो एकात्म मानव दर्शन में कहीं पर भी कोई भी उन्होंने जो नेगेटिव बातें होती है उन्होंने दीनदयाल जी ने कहा ही नहीं।
तो हम लोग को भी एक कार्यकर्ता के भाव से तकलीफें किसको नहीं होती, घर में भी होती है, बाहर भी होती है, संस्थाओं में भी होती है, और जो उच्च अधिकारी जितना जितना बड़े होते जाते हैं उनको भी परेशानियां होती है। लेकिन हम लोग अपनी परेशानियों को अपने गले बांध कर दिन भर हम लोग अपनी परेशानियों में रोते रहे, गाते रहे, तो कभी भी हम सब एकात्म नहीं हो सकते, कभी भी हम लोग इंटीग्रेटेड नहीं हो सकते, कभी भी हम लोग एक अनुकरणीय नमूना, जो मान्यवर नाना जी ने कहा, युगानुकूल सामाजिक पुनर्रचना का अनुकरणीय नमूना, हम लोग कभी खड़ा नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने कहा है, क्रोध तो आना स्वाभाविक है, लेकिन दमन करने की जिसके अंदर शक्ति है वो चीज को नियम बनाओ। क्रोध को दमन कितना अच्छा कर सकते हैं, यदि गुस्सा आया तो उसको कितने अच्छे से व्यक्ति पी सकता है, ये नियम उन्होंने एकात्म मानव दर्शन में बताते हुए, अंत में उनका यही था कि व्यक्ति तो है, लेकिन पहले आप लोगों को भी पता ही होगा जिन्होंने सोशियोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं, पहले कभी भी विवाह नाम का कोई चीज होती ही नहीं थी। विवाह, फिर अचानक एक ऋषि ने विवाह प्रक्रिया करा, शादी किया, तो उन्होंने कहा विवाह भी एक संस्था है बता दिया। पहले कोई संस्थाएं भी ऐसी बड़ी बड़ी होती नहीं थी, तो उन्होंने उसको विवाह एक प्रक्रिया को उन्होंने एक संस्था कहा। तो उसी को पंडित दीनदयाल जी कहते हैं विवाह एक मांगलिक प्रसंग है। तो विवाह जब हो गया तो एक कुटुंब व्यवस्था आ गया, क्योंकि अपनी भारतीय परंपराओं में हर समय पर ऋषि मुनियों के द्वारा यही कहा गया है, नत्वहं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्ता नाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम की बातें हैं, कहीं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्वेत् की बातें हो, सर्वभूत हिते रतः की बातें हो, वसुधैव कुटुंबकम की बातें हो, इन सब बातों का निचोड़ उन्होंने एकात्म मानव दर्शन में इतने अच्छे से लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि उन्होंने कहा विवाह एक मांगलिक प्रसंग है, और विवाह से व्यक्ति का एक कुटुंब, एक संस्था बनता है, लेकिन उस कुटुंब में यदि व्यवस्था ठीक नहीं चली, कुटुंब बिगड़ा तो अपना परिवार जैसे बिगड़ा, तो समाज बिगड़ेगा, फिर अपना राष्ट्र बिगड़ेगा, फिर जो कुछ अपना चित्र देखना चाहते हैं वो बिगड़ सकता है। इसीलिए मान्यवर नाना जी ने भी, आप सब लोगों को पता है, जब नाना जी गोंडा में भी रहते रहे होंगे, एक बहुत बड़ा कुटुंबीय व्यवस्था के अंतर्गत रहते थे, वो नाना रहते थे, कोई रहती थी तो ताई होती थी, कोई मामी होती थी, कोई कुछ होता था। यहाँ पर उन्होंने जो कुटुंब व्यवस्था की रचना की, जहाँ पे भी नाना जी रहते थे वो कुटुंब के व्यवस्था के अंतर्गत ही रहते थे, कभी नाना जी अलग नहीं रहते थे। वो कहते थे मानव जो है अकेला रह ही नहीं सकता, मानव को आबादी चाहिए, पारिवारिक पृष्ठभूमि चाहिए, अपना खून का संबंध भले नहीं लेकिन पारिवारिक भावना के साथ रह सकते। तो उसमें नाना जी की भी जो कार्य हुआ है दीनदयाल जी के एकात्म मानव दर्शन के आधार पर, क्योंकि जो भी नूतन संतान पैदा होगा वो परिवार और कुटुंब में पैदा होता है, तो यदि वो नूतन संतान में हम लोग ऐसे संस्कारों का डाल दिया जाए और वो संस्कारों का इसमें पलता हुआ बच्चा फिर समाज के लिए उपयोगी बनेगा, तो सबसे ज्यादा यदि केंद्र बनाया गया है तो संस्थागत, जिसको संस्था कहा, वो कुटुंबीय व्यवस्था को एक बहुत बड़ी संस्था के रूप में लेकर उसमें फिर इन सब चीजों का कैसे होना। तो फिर उसमें लिखते हैं एक जगह पर, यदि कोई बाहर का काम भी करता है तो जरूरी है उन लोगों को, खासकर महिलाओं को और पुरुषों को, छुट्टियां होना बहुत जरूरी है। सप्ताह में एक आध दिन जो छुट्टी मिलती है, तो हम लोग सोचते हैं छुट्टी का दिन मिला, चलो कपड़ा धो दे, कपड़ा घर ठीक कर देगी, वो भी जरूरी है, लेकिन साथ में उसमें लिखते हैं उस कुटुंब व्यवस्था में जो छुट्टी मिली हम लोगों को, जो अवकाश मिला, उन अवकाशों में हम लोग अपनी जो देव है, जो अपने जिनको हम लोग मानते हैं, उनको हम लोग पूजा पाठ विधि विधान से उनकी श्रद्धा भक्ति के साथ करें, ताकि जो मन की शांति की बात थी वो हम लोगों को मिल सके, और आत्मा को भी जो तृप्ति मिलती है दान दक्षिणा करना,
तो वो अवकाश के समय पर ये सब करने के लिए महिलाओं को खासकर उन लोगों ने उसमें दीनदयाल जी ने कहा है। और एक चीज थी, छुआछूत के वो सख्त खिलाफ थे। तो छुआछूत के खिलाफ बचपन से थे, इसीलिए एकात्म मानव दर्शन में उन्होंने ऐसी बात लिखा, ये कुटुंबीय व्यवस्था में जो पुरुष वर्ग होते हैं उनको छुआछूत का इतना दिमाग में आता नहीं, वो मानते भी नहीं है, लेकिन घर के अंदर की रहने वाली महिलाएं जानबूझकर इन विषय को घर में छेड़ना और छुआछूत को बहुत ज्यादा वो मानती थी। तब उन्होंने कहा, माताओं के सुशिक्षा के बिना सुसभ्य समाज का निर्माण असंभव है। लिखा तो सुशिक्षा लिखा है, जो आजकल हम लोग लेने वाली बीए बीकॉम एमए एमकॉम की डिग्रियां उन्होंने नहीं लिखा, सुशिक्षा, माताओं के सुशिक्षा के बिना सुसभ्य समाज का असंभव। तो इसीलिए हम सब जो मातृशक्ति भी, जो भी हम लोग आप लोगों के इस पे आते हैं, हम लोगों के संपर्क में आते हैं, हम लोग को हर समय, यदि वो शिक्षित नहीं है तो हम लोग उनको अशिक्षित मानकर नहीं छोड़ना है, उनको जो शिक्षा दे सकते हैं, यदि वो कृषि में है उनको चिंता यही थी कि भारत माता का जो भी हम लोग जितना उस धरती से लेते हैं हम लोग को उतना उसको वापस करना चाहिए। वनस्पतियों का तो स्वभाव ही है, फल फूल लग गया तो अपने को तोड़ना ही है और उनकी सेवा करना ही है। लेकिन सबसे ज्यादा दीनदयाल जी एकात्म मानव दर्शन पे उन्होंने कहा, भारत माता की धरती से जितना कुछ हम लोग अनाज उत्पादन करके लेते हैं उसके बाद अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए जो हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स जिसको रासायनिक खाद के रूप में डालकर अपनी धरती माँ की गोद को जो हम लोग सब मिलकर खराब करते हैं उस पर उनकी चिंता बहुत थी। इसीलिए मान्यवर नाना जी ने, आप सबको पता है गोंडा में कैसा बालू मिट्टी था, कल भी हम लोग गए थे, लह रहा था खेती वहाँ दिखाई देता है, चाहे वो मचकमा का कृषि विज्ञान केंद्र का इलाका हो, चाहे गनीवा का हो, चाहे अपना बीड़ का हो, वहाँ पर नाना जी ने इन्हीं सब बातों से प्रेरणा पाकर ऐसा खेती वहाँ पर किया। और रासायनिक खादों का आज से नहीं, पता नहीं कब से नाना जी उन सब के खिलाफ थे। खिलाफ यानी यील्ड तो अपने को बढ़ाना है, लेकिन धरती को जानकर समझकर क्या धरती माता को देना है, गोबर का खाद कैसे हो सकता है, कितने प्रकार के प्रयोग नाना जी करते थे। तो एकात्म मानव दर्शन जरूर एक सिद्धांत है, लेकिन दीनदयाल शोध संस्थान एक प्रयोगशाला है। एकात्म मानव दर्शन के एक एक बिंदु छोटी छोटी चीजों को हम लोग समझते हुए दीनदयाल शोध संस्थान के इतने बड़े लैबोरेटरी में, इतने बड़े प्रयोगशाला में हम लोग दिन प्रतिदिन नित नए एक एक प्रयोग करते जाएंगे। तो भले दीनदयाल जी इस जमीन पर यहाँ ना होंगे, भले नाना जी यहाँ पर भौतिक रूप से यहाँ पर नहीं होंगे, लेकिन दोनों की आत्माएं और खासकर उन दोनों को जिन्होंने निर्माण किया, परम पूजनीय हेडगेवार जी हो, परम पूजनीय अपने गुरु जी हो, जितने भी लोग उन दोनों को बनाने में जिन्होंने अपना समय लगाया वो सब खुश हो सकते हैं। तो एकात्म मानव दर्शन कोई बहुत बड़ा सिद्धांत नहीं है जो हम लोग जी रहे हैं। दूसरों को दुख नहीं देना ये सबसे बड़ा है एकात्म का। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को यदि हम लोग अछूत मानकर दूर रख दिया, या किसी ने कुछ रोग है तो उसको नहीं छुआ, तो उनका कहना यही है, भाई उसमें भी उतना ही खून है, उतना ही वो है, उन्हीं चीज़ों से हम लोग भी बने हैं, लेकिन अपने कर्म के आधार पर जो हुआ। बाकी हम लोग हर समय चिल्लाते हैं मजहब है, ये है, वो है, सुनने को भी आता है, दीनदयाल शोध संस्थान में कोई भी ऐसी बातें नहीं होती, लेकिन जिन इलाकों में हम लोग जाते हैं वहाँ पर लोग अक्सर बात करते हैं, ये मजहब के चलते, ये पंथ के चलते वहाँ पर लड़ाई हो रही है। लेकिन दीनदयाल जी के एकात्म मानव दर्शन में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि धर्म कोई मजहब या पंथ नहीं है, वो रिलीजियन शब्द अलग है। धर्म का जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा तो वो तो कर्तव्य के आधार पर कहा, लेकिन धर्म उन्होंने भी इसमें यही कहा है, जिसकी जो संस्कृति सभ्यता उनको बचाने के लिए जो भी बातें आती है उसको धर्म के आधार पर लेते हुए हम लोग अपना कर्तव्य करते जाए, मानव है। और एक भाई होता है, उसमें उन्होंने उदाहरण भी दिया धर्म के लिए, उन्होंने बहुत ही सिंपल उदाहरण बताया। एक लड़का घर में पैदा हुआ, बाद में उसकी शादी होती है,
तो शादी होने के बाद वो एक सास का दामाद भी है, एक माँ का बेटा भी है, एक पत्नी का पति भी है, एक बहन का वो भाई भी है, और किसी का वो देवर भी होता है, किसी का वो जेठ भी होता है। तो सास कहती है, मेरा देवर आजकल मुझे प्यार नहीं करता, ज्यादा देखभाल नहीं करता। और यदि लड़के की माँ के साथ यदि लड़के का व्यवहार बढ़ गया, तो पत्नी कहती है, तुम आज हमें बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, अपनी माँ के प्रति तुम्हारा ज्यादा चिंतन चलता है। बहन कहती है, जब से तुम्हारी शादी हुई तुम बिल्कुल हमारे तरफ ध्यान नहीं देते हो। तो बोले, धर्म यही है, वो व्यक्ति को वो धर्म निभाना बड़ा कठिन है, बस यही धर्म है। ये दीनदयाल शोध संस्थान के कार्यकर्ता भली भांति निभाते आते हैं, हम लोग कभी भी घरेलू लड़ाई झगड़ों में हम लोग नहीं पड़ते। इसीलिए हम निवेदन करना चाहते हैं, अपने परिवार में रहने वाली महिलाएं भी इस धर्म को समझें। वो भाई है तो उसको उसका धर्म निभाना ही पड़ेगा, वो यदि किसी का बेटा है तो उनको वो धर्म निभाना ही पड़ेगा, जेठ है और अपना देवर है, कहीं उसके जितने भी रिश्ते हैं वो यदि चलाना है, उनकी अपनी धर्म निभाना है एक भैया को, तो पत्नी का रोल सबसे बड़ा होता है, क्योंकि पत्नी सबसे ज़्यादा लालची होती है। उनको लगता है सब कुछ हमें मिले, हम लोग उतना लालच थोड़ा सा छोड़कर जो शरीर मन बुद्धि और आत्मा का जो संतुलन, जिस प्रकार पंडित दीनदयाल जी ने कहा, तो हम सब महिलाएं भी थोड़ी लालच को छोड़ दें, थोड़ा सा क्रोध को छोड़ दें, थोड़ा सा लोभ को छोड़ दें, तो अपने आप भगवान हम लोगों को मोक्ष के ओर ले जा सकते हैं। मोक्ष वही है जो मिशन अपना है, वो हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो महिलाएं जो हमारी मातृशक्ति जितनी भी होती है, उन सब लोग भी आप लोगों के कारण ही वो आगे कामों में लग सकती है, जितना उनसे बन पड़े ऐसे सामाजिक कार्यों में या अपने आपस के जो मांगलिक कार्यों में, सब में वो संलग्न होते हुए लड़ाई का कारण न बने। क्योंकि कुटुंब व्यवस्था यदि अच्छी है, सुचारू ढंग से चल रहा है, तो ही दीनदयाल शोध संस्थान में ये कहा जा सकता है कि दीनदयाल शोध संस्थान एकात्म मानव दर्शन के आधार पर कार्य कर रहा है। यदि किसी परिवार में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो कोई ना कोई अपने तरफ उंगली उठाएंगे कि लो इन्हीं के यहाँ पर लड़ाई है, तो क्या एकात्म मानव दर्शन। ये पंडित दीनदयाल जी की गलती नहीं है, ये राष्ट्र ऋषि नाना जी देशमुख जी की गलती नहीं है, छोटे छोटे अनभिज्ञ कार्यकर्ताओं के चलते इतने बड़े व्यक्तित्व के ऊपर कोई दाग न लगे। हम सब लोग एकात्म मानव दर्शन का कोई बहुत बड़े वो नहीं है, लेकिन एकात्म मानव दर्शन का दो लाइन में यदि हम लोग समझना चाहते हैं, यदि सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, क्योंकि हम सब लोग स्वयं सेवी हैं, राष्ट्र ऋषि नाना जी देशमुख जी के संस्था में हम सब लोग काम करते हैं, तो भौतिक और अपना जो भौतिकवादी जीवन में ये सब बातें चलाना करना बड़ा मुश्किल तो है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे तो हो सकता है हम लोग भी कुछ उनके एकाध धूल उनके चरण के हम सब लोग के शरीर पे यदि आ जाए तो हम लोग का जीवन भी मोक्ष के ओर जा सकता है। तो उसमें उनका कहना है, यदि अधिक से अधिक सामाजिक प्रतिष्ठा चाहिए, यदि हम सब लोगों को समाज में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा यदि चाहिए, तो कम से कम भौतिक लाभ उठाना होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा और भौतिक लाभ का उन्होंने रेशियो बताया, ऐसा इन्वर्ट रेशियो का एकात्म मानव दर्शन में, यदि अधिक से अधिक सामाजिक प्रतिष्ठा चाहिए तो कम से कम भौतिक लाभ उठाना होगा। अधिक से अधिक भौतिक लाभ उठाना चाहिए तो लाभ उठा सकते हो, पर सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं रहेगी। तो सामाजिक प्रतिष्ठा हर एक कार्यकर्ता को मिले, हम लोगों को जरूर, जैसे फ्रॉइड ने बताया, एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा ह्यूमन बीइंग इज अ प्लेजर सीकिंग एनिमल। उन्होंने कहा मानव हर समय सुख के लिए जीता है, सुख के लिए जीने वाला आदमी है करके फ्रॉइड ने बोला, बहुत बड़े वो साइकोलॉजिस्ट थे। लेकिन हम सब लोग सुख उसी में मानते हैं, चार रोटी बना, आठ आदमी भी आ गए तो आधा आधा करके खाने में हम लोगों को सुकून होता है। वो सुख चाहिए या चारों रोटियां
कोई आया हम झूठ बोल दे कि हमारे घर में आज रोटी नहीं बना और चार व्यक्ति अपने घर से आठ व्यक्ति भूखा निकल जाए और हम लोग चुपके से बैठकर वो चार रोटी खाए, वो सुख चाहिए या वो ही चार रोटियां आठ लोगों के बीच में मिलजुल कर भले नमक के साथ खाए। तो दीनदयाल जी कहते हैं, सत्य जो देखा है वही कहो, झूठ मत बोलो, झूठ वही है। यदि पानी नहीं बरस रहा है, किसी ने पूछा कहाँ हो, तो उन्होंने बोला तुमने कह दिया पानी बरस रहा है, हम इसलिए नहीं आ पाए। पता चला वो व्यक्ति घर से बाहर निकलेगा, देखेगा पानी नहीं बरस रहा, तो उसके मन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सब वही है जो अपने मन, मस्तिष्क, शरीर, बुद्धि, आत्मा और कुल मिलाकर दिल को जो अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, वही दूसरों के साथ करना है। हमारे को जो खराब लगा वो हम दूसरों के साथ नहीं कर सकते। तो मिल बांट कर संस्थान भले हम लोगों को, क्योंकि आज हम लोग के बीच में नाना जी को भौतिक रूप से जाकर चार पाँच साल से ऊपर हो रहा है और एकात्म मानव दर्शन का अभी 50वां साल पूरा होने को आ गया और विजयवाड़ा में जाकर दीनदयाल जी, पंडित दीनदयाल जी कब से लिख रहे थे एकात्म मानव दर्शन, लेकिन हर एक चिंतन को अधिकृत आधिकारिक रूप से मिलना होता है, तो वो विजयवाड़ा में मिला था पंडित दीनदयाल जी को और वहाँ पर पूरे जगह के लोग वहाँ पर एकत्रित थे। कितने सम्मान की बात होगी, उनको तो सम्मान नहीं चाहिए लेकिन लोगों को कितना अच्छा लगा होगा। ऐसे सादगी पूर्ण दीनदयाल जी ही इस तरह के विचार लिख सकते हैं। और हम लोगों ने और भी लोगों को देखा कि जब दीनदयाल जी का अंतिम वो हो गया, संस्कार होने के बाद एक पत्रकार पहुंचते हैं, बाहर के पत्रकार थे, उन्होंने जाके बोला भाई दीनदयाल जी का कोई घर हो तो दिखाइए, हमें कमरा हो तो। लोगों ने कहा नहीं, उनका तो कोई कमरा नहीं है, वो तो यहीं रहते थे। चलो कमरा नहीं है तो क्या हुआ, उनकी जो अलमारी होगी ना वो दिखाइए, उसके अंदर उनके कपड़े रखे होंगे, कितने रखे होंगे वो देखेंगे। बोले नहीं, उनके पास तो कोई अलमारी नहीं थी, वो दो धोती और दो कुर्ता रखते थे, वो यदि जरूरत पड़ने पर किसी का लेते थे पहनते थे, उनके पास तो कोई ऐसा अलमारी नहीं थी। चलो ठीक है, वो तो पुस्तकें खूब पढ़ते थे, हम लोग सुनते थे, तो उनके पुस्तकालय ही दिखा दो या पुस्तकों का रैक दिखा दो। तो बोले वो भी नहीं है, वो तो अपने दोस्तों से मांग कर लाते थे, पढ़ते थे और वापस कर देते थे, उनके पास ऐसे पुस्तकों का कुछ भी नहीं है। तो लास्ट में उन्होंने कहा भैया उनके पास है क्या, तो कोई भी भौतिक सामान उनके पास एक भी नहीं मिलता है। ऐसे सादगी पूर्ण पंडित दीनदयाल जी को हम लोगों ने तो देखा नहीं, लेकिन जिन्होंने भी नाना जी जैसे व्यक्तित्व के साथ उनका दोस्ती रहा, सब रहा, नाना जी के जीवन में भी हम लोगों ने देखा, नाना जी को कोई चार के बाद पांचवा चीज कोई देते थे तो चाहे जितनी कीमती वाला क्यों ना हो, नाना जी उसको संचय नहीं करते थे, तुरंत बांट देते थे, जो सामने मिलते थे वो बांट देते थे। और नाना जी के जाने के बाद भी हम लोग उनका कमरा देख सकते हैं, उनके सामान देख सकते हैं, हम सब लोग उनकी यादों में ही दीनदयाल शोध संस्थान को और अच्छा, जो एक अच्छा मॉडल हो सकता है, लोग यहाँ पर आए, सीखे, करें। हम एकात्म मानव दर्शन के ऊपर तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बोलना वो नहीं है, आगे चर्चा इस पे यदि कुछ भी बात आएगी तो माननीय प्रधान सचिव जी दीपक जी भी रहेंगे, तो चर्चा इसके लिए छोड़ते हैं, क्योंकि ये तो स्टोरीज, जैसा आप लोग भी जब भी एकात्म मानव दर्शन का पुस्तक आप देखेंगे तो आप पढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर हम सब लोग परस्पर पूरकता के भाव से काम करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, मिलकर रहे और अपनी बात को संगठित रूप से एक साथ हम लोग बाहर रखें। इन्हीं के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं, अभ्यास वर्ग अच्छा चले, हम लोग अच्छा काम करें, आपका आभार व्यक्त करते हैं। मंच पर विराजमान माननीय प्रधान सचिव जी दीपक जी एवं सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। भारत माता की जय। चल चल सकता।